नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं आरएस मेंस के टेस्ट सीरीज के अंतर्गत नम्मा टेस्ट पेपर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी। मैं आपको ये कह देता हूं, मेरा टारगेट है दोस्तों कि रिजल्ट आने से पहले पहले आपका चौथा पेपर बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका कवर करवाना। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 9 बजते ही आपके पास टेबल पे सीधा बैठ जाना आप और टेस्ट पेपर को आप प्रिंट करवा लेना या सीधा पीडीएफ से देखकर क्वेश्चन आंसर आपको लिखना, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वही सब आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। नम्मा टेस्ट पेपर में मैंने आपको बता दिया था टारगेट और 10वां टेस्ट पेपर का टारगेट मैं आपको बता देता हूं, हिंदी के अंदर सार्थक शब्द और इंग्लिश के अंदर फ्रेजल वर्ब जो इंपॉर्टेंट है वो सब आप देख लेना। लास्ट ईयर की वापस मैं बता देता हूं, 15 अगस्त का टाइम टेबल है, फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी है और हिंदी के अंदर सार्थक शब्द आपको याद करना है। तो आपके 15 अगस्त को रात को 9 बजे आपका इसकी टेस्ट होगा। आप सभी को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज आप जानते हो कि जिस प्रकार से आप लोग मेहनत करोगे रिजल्ट भी आपको उसी प्रकार से मिलेगा, तो किसी प्रकार की कोताही दोस्तों आपको नहीं बरतनी है। तो ये आपका टेस्ट पेपर है नम्मा टेस्ट पेपर, इसमें आपको ये बताना है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का टेस्ट पेपर है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपको इसका जो सिनोनिम्स है वो आपको बताना है और कुछ में आपको एंटोनिम्स भी बताना है, ठीक है दोस्तों। ये आपके इंग्लिश का और इसके आंसर की मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा चुका हूं इंग्लिश की। ये इसके आंसर की है। अब आता है दोस्तों हिंदी। हिंदी का आज का टेस्ट है युग्म शब्द। युग्म शब्द में दोस्तों आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। मत और मति, मंद और मद, मनुज, ये मनुज है दोस्तों, मनुज और मनोज, मल और मल्ल, मास और मास, मानक मानिक, ठीक है। इसका आपको बिल्कुल सामने, इसके सामने आपको ये लिखना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से अच्छी हो जाए। मैंने एक एक टॉपिक का टेस्ट पेपर आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आपको भेज रहा हूँ। और 15 अगस्त को मैंने आपको टारगेट दे दिया है दोस्तों, ये देखिए 15 अगस्त का आपका टारगेट, ठीक है। सार्थक शब्द और फ्रेजल वर्ब है और ये आपको जरूर पूरा करना है, बेहतरीन ढंग से पूरा करना है जिससे कि रिजल्ट बहुत से बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चल लेते हो तो मैं कहता हूँ कि रिजल्ट आने से पहले पहले आपका एक पेपर आपकी मुट्ठी के अंदर होगा। मैं आपको वीडियो के अंदर आपको पहले पढ़ाऊंगा हिंदी के जो अलग टॉपिक है उसको पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ टॉपिक है नहीं YouTube के ऊपर, क्योंकि सार्थक शब्द और युग्म शब्द के तो वीडियो मिल जाएंगे लेकिन प्रशासनिक जो ड्राफ्ट है उसके मिल नहीं मिलेंगे। तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मुझे उसमें कुछ दोस्तों रेस्पॉन्स चाहिए कि मेरे आपके लिए ये उपयोगी है या नहीं है। आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट्स कर मुझे बताएं कि ये ठीक है और उसमें हमें ये भी और चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस चीज़ को आप शेयर करें जिससे कि मुझे आपके लिए एक मोटिवेशन मिल सके कि ये आपको बहुत पसंद आ रहा है और मैं इसमें जो अपने जो समय लगा रहा हूँ वो उपयोगी है किसी के लिए, क्योंकि मैं वही काम करूँगा जो आपके लिए उपयोगी हो, जो जिसमें आपकी मदद हो सके। तो दोस्तों इसमें आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 15 अगस्त को रात को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। आरएस प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों चरणों में प्रत्येक प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी हिस्ट्री का गाइडेंस आपको यहाँ प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जवाब तेरा कोई ना जवाब।